तीसरा ये कि जो उसने किया है वो इल्म की बुनियाद पर किया है कि नहीं किया है। इल्म यानी जो भी करता था उसको मालूम है कि नहीं मालूम, ये कुफ्र है, ये सारी शराइत। अच्छा, इल्म शराइत के साथ एक चौथी चीज है मवाने। मवाने का मतलब होता है बेदियत। क्या हो गया? मवाने का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये चीजें सब शायद साबित हुई, कुफर होना भी साबित हो गया, उसने किया ये भी साबित हो गया, शरायत भी सारे पाए गए, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक आदमी को कुफरिया अमल करने के बावजूद उसको काफिर करा देने से रोक देती है। उनमें से पहली चीज है जहल। जहल का मतलब होता है ना जानना। एक आदमी ने कुफरिया काम किया लेकिन उसको नहीं मालूम था कि कुफर है, उसने कर दिया गलती से, तो उस पर काफिर होने का हुक्म नहीं लगेगा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह के नबी ने बताया कि बनी इसराइल में से एक आदमी बहुत गुनहगार था, बनी इसराइल में से एक आदमी इंतहाई गुनहगार था, जिंदगी उसकी गुनाह में गुजरी थी। और उसके बाद एक जमाना जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो बिस्तर मर्ग पर उसने अपने बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि मैंने पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, अगर अल्लाह रब लो कदर अलैया रब्बी, अगर मेरा रब मुझ पर कादिर हो गया, मेरा मुझको जिंदा करने पर कादिर हो गया, ला अज़बनी मा अज़बा अहद मिन खल्की, तो मुझको ऐसा अजाब देगा जैसा अजाब उसने अपनी किसी मखलूक को नहीं दिया होगा, तो जब मैं मर जाऊं तो मुझको जला देना, अहलिकोनी सुम्मा थनोनी, फिर उसके बाद मेरी हड्डियों को पीस देना, फिर उसके बाद मेरी राख को हवाओं में बहा देना ताकि अल्लाह मुझको दोबारा जिंदा नहीं कर पाए। अब इसमें उसने कोई काम कुफ्रिया किया? क्या कुफ्र किया उसने? क्या कहा उसने? अगर मेरा रब को जिंदा करने पर कादिर हो गया तो मुझको ऐसा अजाब देगा जैसा अजाब उसने किसी को नहीं दिया होगा, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी राख जला करके उसको पीस करके उसको हवाओं में बहा देना। दो कुफर किया उसने। आप में से कोई बताए कौन सा दो कुफर किया? हाँ, पहला उसने इसका अल्लाह की कुदरत का इनकार किया ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको जिंदा नहीं कर सकता, अल्लाह के बारे में किसी भी अमल में कि फला काम अल्लाह नहीं कर सकता, ये क्या है? कुफर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है। तो पहला कुफर उसने क्या किया? अल्लाह की कुदरत का इनकार किया। दूसरा कुफर क्या किया? दो कुफर किया। दूसरा कुफर क्या किया? हाँ, बादल मौत का इनकार किया उसने, कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना है, जिंदा नहीं होता तो जन्नत जहन्नम कयामत जजा सजा मीजान सब का इनकार कर दिया उसने, है ना, पास बादल मौत का इनकार कर दिया। दो कुफरिया काम किया, इसके बावजूद है उसके साथ मामला क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हवाओं को हुक्म दिया, हवाओं ने उसके जर्रात को जमा किया, उसके जर्रात को जमा करने के बाद उसको जिंदा किया गया, जिंदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो अल्लाह उसने कहा मिन खशियती का या रब, ए अल्लाह मैंने तेरी खशियत की वजह से, तेरे खौफ की वजह से ऐसा किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फिर मैं तुझको बख्श देता हूं। तो दो कुफ्री अमल के इसके बावजूद अल्लाह ने उसको बख्श दिया। क्यों बख्श दिया? क्योंकि जो कुफ्र उसने किया वो क्या था? जहालत की बुनियाद पे, जाहिल था वो आदमी, है ना, जाहिल था वो आदमी, तो जहालत की बुनियाद पे कोई कुफ्र करे तो उस पर काफिर, वो अमल हम कुफ्र बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अल्लाह के बारे में किसी अमल के बारे में, अल्लाह के बारे में अदमे कुदरत का अकीदा रखना कि अल्लाह ऐसा काम नहीं कर सकता, कुफर है कि नहीं है, है ना, कुफर है। कयामत का इनकार करना कुफर है। अमल को तो हम अभी भी कुफर बोलेंगे लेकिन अमल कुफर होने के बावजूद उसके करने वाला काफिर हो गया नहीं? काफिर हुआ। यही बात जो मैंने शुरू में आपको बताई कि अमल कुफर होने से करने वाला काफिर नहीं हो जाता है। मसलन अब देखिए, जब नए नए लोग इस्लाम कबूल किया था के जमाने में और तबूक का या हुनैन का मौका था जंग का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की जमात के साथ जंग करने के निकले। अब कुछ लोग नया नया इस्लाम कबूल किए थे, बहुत ज्यादा उनकी तरबियत नहीं हुई थी, तो अरबों के यहाँ मक्का के जो मुशरिकीन थे उनके पास एक पेड़ होता था जाते निवार, उस पेड़ पर वो अपनी तलवारें लटका करके उससे तबर्रुक हासिल करते थे और उनको लगता था कि इस पेड़ पे अगर तलवार लटका दी जाए तलवार चार्ज हो जाती है, ताकत आ जाती है तलवार के अंदर। उस पेड़ में तासीर का अकीदा रखते थे कि ये पेड़ जो है वो ताकत फराहम करने वाला है। अब ये क्योंकि मुसलमान हो चुके थे तो ये गुजरे तो देखा जाते निवात है लेकिन अब तो मुसलमान हो गए तो यहाँ तलवार लटका करके चार्ज नहीं कर सकते अपनी तलवार को, तो अल्लाह के नबी से कहा इज अल्लाह ना जात निवाती कमाल हम जात वनवात,
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको भी एक जाते निवास बना करके दीजिए जैसे इनके पास एक जाते निवास है, हमको एक अलग पुर बना करके दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुमने वही बात कही जो बात बनी इसराइल ने मूसा से कही थी कि इजअल लना आलिहा कमा लहुम आलिहा, कि हमको भी एक माबूद बना करके दो जैसा माबूद इन लोगों के पास। जब बनी इसराइल को लेकर के कुलजुम पार किया हजरत मूसा ने, तो एक कौम आई जो बछड़े की पूजा करती थी, तो उनको देख करके बड़ा अच्छा लगा बनी इसराइल को, तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा से कहा हमको भी बछड़ा बना करके दो जिसकी हम पूजा करें। फिर मूसा बना भी लिया जब हजरत मूसा अलैहि सलाम तौरात लेने के लिए गए, तो कहा तुमने वही काम किया जो काम क्या किसने किया था, मूसा अलैहि सलाम के साथ बनी इसराइल ने किया, लेकिन क्या ये कहा कि अब तुम्हारा सबका निकाह टूट गया वापस निकाह पढ़ाना पड़ेगा, नहीं ना। हाँ तुम्हारे तुम दीन से खारिज हो गए हो, ये सब नहीं कहा ना। तो क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो बात तो उनकी कुफ्रिया थी, लेकिन ये कुफ्र कैसे था, जहालत की बुनियाद पर। तो जहालत की बुनियाद पर अगर कोई कुफ्रिया बात कह ले या कुफ्रिया बात जबान से उसकी निकल जाए, इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं हदीस में मौजूद हैं। जैसे वो एक मिसाल मैंने वो बताई, जैसे वहां शाम से आए और सजदा कर लिया अल्लाह के नबी को, लेकिन वो सजदा करना कुफरों का हुक्म, कुफर का हुक्म सजदे करने पे तो लगेगा ना कि गैरुल्लाह के लिए सजदा करना कुफर है, लेकिन उन पर काफिर का हुक्म क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो जहालत के जिस्म में किया। इसी तरह से एक हदीस में आता है, ये रिवायत है इब्ने माजा किताबुल फितर की, फरमाते एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हुज़ैफा बिन यमान, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यद्रुसुल इमार कमा यद्रुसु वशियसौ, कि इस्लाम वैसे ही पुराना हो जाएगा जिस तरह से कपड़ा पुराना हो जाता था। हत्ता ला युदा मा सियामुन वला सलातुन वला नुसुकुन वला सदका, यहाँ तक कि लोगों को ये भी याद नहीं रहेगा कि रोजा किसको कहते हैं, सदका किसको कहते हैं, नमाज किस चीज का नाम है, पूरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। वला युसरा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल फी लैलतिन फला यबका फिल अर्द मिन्हु आया, और एक रात ऐसी गुजरेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरी किताब उठा ली जाएगी, एक आयत भी बाकी नहीं बचेगी। वतबका तवाइफु मिनन नास अश्शेखुल कबीर वल अजूज, और कुछ लोग बचेंगे जिनमें कुछ बूढ़े मर्द होंगे, एक बूढ़ा आदमी होगा और एक बूढ़ी औरत होगी, और वो कुछ भी उनको नहीं मालूम होगा, ना उनको नमाज मालूम होगी, उनको रोजा मालूम होगा, ना उनको कुर्बानी मालूम होगी, कुछ भी नहीं मालूम होगा, बस एक कलीमा याद रहेगा। कौन सा कलीमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वो यही कहेंगे और कहेंगे अदरक ना आबा आना लहाइल कलमा फनाहनु नकुलु भी, कि हमने अपने बाप दादों को यही बोलते हुए पाया है तो हम यही बोलते हैं, बाकी नमाज रोजा ज़कात हमको कुछ भी नहीं पता है। तो सिला जो हुज़ैफ़ा बिन यमान के शागिर्द उनसे हदीस सुन रहे थे, सिला ने कहा कि उनको मा तुग़नी हाज़िहिल कलमा, कि ये कलिमा उनको क्या फायदा पहुंचाएगा जब ना उनको नमाज मालूम होगी, ना रोजा मालूम होगा, ना सदका मालूम होगा, ना कुर्बानी मालूम होगी। तो हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने चेहरा फेर लिया। फिर सिला ने कहा कि ये कलमा उनको क्या फायदा पहुंचाएगा जब ना उनको नमाज मालूम होगी, ना रोजा मालूम होगा, ना कुर्बानी मालूम होगी। फिर हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने चेहरा फेर लिया। तीसरी बार जब उन्होंने कहा तो हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने कहा तुजीही मिनन नार, तुजीही मिनन नार, तुजीही मिनन नार, ये कलमा उनको जहन्नम से बचा देगा, ये कलमा उनको जहन्नम से बचा देगा, ये कलमा उनको जहन्नम से बचा देगा। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है, जहालत है। इतना ही इल्म मिला उनको कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले, तो इतना ही पढ़ लिया उन्होंने। तो जहालत एक ऐसी चीज है कि जहालत की वजह से अगर कोई कुफ्रिया काम कर उस पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। दूसरा माने, दूसरा जो बैरियर है वो है तावील, या तावील तीसरा समझ लीजिए। दूसरा बैरियर है खता, किसी ने कोई काम गलती से कर लिया हो, करना नहीं चाहता था, खता का मतलब कि इरादा नहीं था लेकिन गलती से उससे हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के बारे में क्या फरमाया, इन्ना अल्लाह तजावज़ अन उम्मती अल-खत्अ वन-निस्यान वमस्तुकरिहु अलैह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत से खता को उनको और जिस चीज पर उनको मजबूर किया गया था, इन चीजों की गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दी। मसलन कोई आदमी कुछ और फेंकना चाहता था, कुरान उठा करके फेंक दिया, हां कुरान उठा करके फेंक देना कुरान की बेहुर्मती है ना, और कुरान की बेहुर्मती कुफ्र है, लेकिन फेंकना कुछ और जा रहा था लेकिन फेंक दिया कुरान, फेंक दिया तो उसको क्या मिलेगा, उसको खता की उसने क्योंकि गलती की, तो उस पर कुफर का हुक्म नहीं लगेगा। इसी तरह से किसी और को गाली देना चाहता था, अल्लाह को गाली दे दी, या नबी को गाली दे दी, जमान से नबी के लिए गाली निकल गई, अल्लाह को गाली देना क्या कुफर है ना, नबी को गाली देना कुफर है, लेकिन वो देना नहीं चाहता था, गलती से किसी और को बोलना चाहता था, जबान से अल्लाह या उसके रसूल का नाम निकल गया,
ठीक है, तो इस पे क्या हुक्म लगेगा? उसको काफिर करा दे देंगे। क्यों नहीं काफिर करा देंगे? इस बैरियर, इस माने की वजह से कि वो जो गलती उससे हुई है वो खता से हुई है, उसका इरादा नहीं था। वो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, खता अगर किसी ने कर ली तो उस पर कुफर का हुक्म नहीं लगेगा। इसी तरह से तीसरी चीज है तावील। तावील का ये मतलब होता है कि उसको किसी आयत के समझने में गलत फहमी हो गई, या किसी जो है हदीस के समझने में गलत फहमी हो गई। जैसे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद वगैरह ने रिबा की एक किस्म को एक हदीस की वजह से हलाल करार दे दिया। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साख खजूर को दो साख खजूर के बदले में बेचने से मना किया है, और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताखीर से बेचने से मना किया है, ला रिबा इल्ला फी नसीया, कि जो है जैसे अहमद मसलन दो चीजें मना है, सोने चांदी और खजूर, इस तरह की जो अशिया रिबविया है उनमें दो तरह की तिजारत से मना है, कि एक आप कम ज्यादा करके नहीं दे सकते। मतलब आपके पास 24 कैरेट सोना है तो आप कहेंगे मैं 24 कैरेट सोना तुमको 2 तोला दूंगा, और उसके बदले में तुम 22 कैरेट सोना मुझको 3 तोला दो, तो आप नहीं दे सकते। 2 तोला सोना के बदले में 2 तोला ही सोना देना है, चाहे कैरेट कम हो चाहे ज्यादा हो। तो ये एक चीज ये मना है कि आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा ये कि ताखीर से नहीं दे सकते, मतलब मैं 2 तोला आपको सोना भी आऊं आप मुझको 2 तोला सोना 4 महीने बाद दे, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया यदन भी यदि समान भी समाई, फौरन फौरन होना चाहिए, हैंड टू हैंड, और जितना है उतना ही होना चाहिए। लेकिन एक हदीस के समझने में उनसे मिस्टेक हो गई और उन्होंने ये कह दिया कि अगर ताखीर से देना मना है, अगर फौरन फौरन दे रहे हो तो कम ज्यादा करके दे सकते हैं। लेकिन ये गलती क्या थी? ये तावील की गलती थी। तो तावील की वजह से अगर कोई कुफरिया काम कर रहा है तो उस पर कुफर का काफिर होने का हुक्म नहीं लगेगा। अच्छा, तावील और जहल, इन दोनों के बारे में मामला ये है कि जहल और तावील हमेशा एक्सेप्ट नहीं किए जाते, कभी कबूल किए जाते हैं कभी कबूल नहीं किए जाते। उसके कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं, वो डिटेल में हम नहीं जा सकते अभी। बस इतना समझिए कि जहां पे जहल का उज्र कबूल करने की वजह से बंदे पर जुल्म ना हो रहा हो वहां पर कबूल किया जाएगा। जहां पे जुल्म हो रहा है, अगर जहल का उज्र कबूल नहीं किया तो उसके साथ जुल्म हो जाएगा, तो वहां पर कबूल नहीं किया जाता। यही मामला तावील का भी है। वो बहुत तफसीली चीजें हैं, उसमें हम नहीं जा सकते। बस इतनी बात आप याद रखें कि कभी तावील के जैसे अगर कोई कुफर का काम कर रहा है या कुफरिया कीदा रख रहा है तो उसका उज्र अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाता है, उलमा के यहाँ कबूल किया जाता है, उस पर कुफर का हुक्म नहीं लगता है। जैसे सहाबा की एक जमात थी जिन्होंने, सहाबा की जमात की मिसाल से सहाबा के बाद अहले मदीना में से कुछ लोग थे जिन्होंने बीवी के साथ पीछे से मतलब जो होता है उसको हलाल समझ लिया, और वो कुरान की आयत उनके पास दलील थी कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं तो तुम अपनी खेतियों को जैसा चाहो इस्तेमाल करो, और उन तक के वो हदीस नहीं पहुंची थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो लानत वाली हदीस है। ऐसी बहुत सारी चीजें तावील के जुमरे में आती हैं कि भाई एक आदमी कुफरिया बात कर रहा है लेकिन वो कुफरिया बात जान बुझ करके नहीं कर, वो किसी कुरान की आयत को समझने में मिस्टेक हो गई उनसे, या किसी हदीस को समझने में उनसे गलत फहमी हो गई है, तो उस तावील की वजह से उन पर कुफर का हुक्म नहीं लगता है। तो ये कुछ एक बुनियादी चीजें हैं, पूरी तफसील मैंने तकफीर के उसूल और ज़ाब्ते की नहीं बताई है। तो ये चीजें हैं, और हमेशा इन चीजों को देखा जाता है, कोई आदमी अगर तकलीद की बुनियाद पर कोई कह रहा है, कोई कुफरिया बात कह रहा है लेकिन कुफरिया बात तकलीद की जगह किसी आलिम ने उसको वही बताया तो उस पर कुफर का हुक्म लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह से तकफीर के मामले में एक चीज ये भी है कि कोई कुफर करने वाला है तो उसको बुला करके कुफरिया बात अगर उसने कही है, या कोई ऐसी बात कही जिससे जाहिरन कुफर लग रहा है तो उसको बुला करके उससे डिटेल पूछी जाए, डायरेक्ट कुफर का हुक्म नहीं लगता उसके ऊपर। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कुछ, वो बहुत दूर से मदीना में दूर रहते थे और मस्जिद नबी काफी फासला तय करके उनको आना पड़ता था, तो लोगों ने कहा कि तुम मस्जिद के करीब घर ले लो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो। क्या कहा? मैं नहीं चाहता कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो। अब सामने सुनने में क्या लगता है? कि लगता है इनको मस्जिद से कोई बोझ है, या लगता है ये मुनाफिक है कि क्या चाहते मस्जिद के करीब घर ना हो? जाहिरन क्या लगा कि गलत बात कही है, मस्जिद से नफरत है इनको। तो सहाबा ने आकर के अल्लाह के नबी से शिकायत की कि फला आदमी कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मस्जिद के करीब मेरा घर हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हुक्म नहीं लगा दिया कि तुम काफिर हो गए या तुम मस्जिद मुनाफिक को लगता है। अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुमने ऐसी बात क्यों कही, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा घर मस्जिद से दूर हो, और जब आना हो तो मैं पैदल चल करके मस्जिद तक आऊं, और मेरे जो पैदल चलने के जो खुतवात हैं, जो कदम हैं, उन पर मुझको नेकियां दी जाए। तलर ने फरमाया कि तुमने जो नियत से बोली थी उस नियत का तुमको अजर मिलेगा। तो ये सारी चीजें डिटेल है, ये कोई हलवा नहीं होता कि आप किसी में भी कुफर का हुक्म लगा दें। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर आपको कुफर का हुक्म लगा दें। अब आप लगा सकते हैं इंशाल्लाह ना।
अब सीख लिया आपने कैसे कुंड का हुक्म लगाना है, तो अब आप लगा सकते हैं, नहीं ना? ये क्या, ये मैं ही बता रहा हूँ कि उलमा ऐसा हुक्म लगाते हैं, इतनी सारी डिटेल होती है, बहुत आसान नहीं, किसी को देख लिया कुफ्रिया काम करते हुए तो उस पर कुफर का हुक्म लगाना, क्योंकि कुफर, अगर आप कुफर का हुक्म लगाना कितनी बड़ी बात होती है। आपने किसी बंदे को बोला कि ये काफिर है, इसका मतलब उसको अपनी बीवी को तलाक देना जरूरी नहीं, आप उससे निकाह कर सकते बगैर तलाक दिए, क्योंकि काफिर और मुसलमान में तो वैसे निकाह होता ही नहीं है ना। तो अगर आप बोलते हैं कि भाई ये फला मसलक का आदमी है वो काफिर है, अगर आप उसको काफिर बोलते हैं तो इसका मतलब फिर वो अपनी बीवी को तलाक ना दे, फिर भी आप उससे निकाह कर सकते हैं, उसकी बीवी उसके लिए हराम हो गई, उसके बच्चों का वो वली नहीं बन सकता, उसके बच्चों की विरासत उसमें नहीं दाखिल होगी, उसको मुसलमान कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, वो मुसलमान उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा। ये सारा हुक्म दुनिया के एतबार से लग रहा है, और आखिरत के एतबार से आप उसको क्या करेंगे, ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाला है अगर किसी आदमी को आप सिर्फ काफिर बोल रहे तो। इसके अलग ने क्या फरमाया, मन काल यकी या काफिर फकत बा बिहा अहदुहुमा, कि जिसने अपने भाई को कह दिया काफिर तो उस बोलने की वजह से दोनों में से एक आदमी काफिर हो जाता है, या तो वो आदमी अगर वाकईतन काफिर था तो वो काफिर हो जाएगा, और अगर वो काफिर नहीं था तो वो जो कुफर की गन आपने उसको लेकर के चलाई थी बंदूक से, वो गोली वापस आपकी तरफ लौट करके आएगी और आपको आकर के लग जाएगी, तो आप काफिर हो जाएंगे, या किसी ने आपको काफिर बोल दिया, अगर आप काफिर है तो ठीक, वरना आपने आपको जो कुफर की गोली चलाएगी थी वो जाकर के उसको लग जाएगी, तो फिर उसको काफिर बोल सकते, है ना? जिसने आपको काफिर बोला तो आप क्योंकि काफिर नहीं है तो वो काफिर हो गया, तो आप उसको काफिर बोल सकते हैं, बंदा नहीं बोल सकते। हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा है ना कि जिस दो अगर किसी ने अगर कुफर का गैर काफिर को अगर काफिर दिया तो क्या होगा, वो खुद काफिर हो जाएगा, तो वो काफिर हो गया ना, तो जो आपको काफिर बोल रहा है वो काफिर है, होगा कि नहीं होगा, यही की वो काफिर हो गया ये आप नहीं बोल सकते। हाँ, वो उसको काफिर करार देने का फिर वो भी पूरा प्रोसीजर है कि भाई तुमने किसको काफिर क्यों कहा था, काफिर कहने की वजह क्या थी, फिर ये देखा जाएगा कि कहीं मवाने हैं कि नहीं, शरायत पाए जाते कि नहीं पाए जाते, तब उसके ऊपर उलमा कुफर का हुक्म बनाएंगे। तो ये कुछ एक इख्तिसार था तकफीर के मौजू का, तकफीर बहुत बड़ा मौजू है, इस पर उलमा ने बहुत सारी किताबें लिखी है, पर मैंने कुछ चीजें आपके सामने इसलिए रखी हैं ताकि आपको मामले की अजमत पता चले, इसकी अहमियत पता चले कि कितनी खतरनाक चीज है, ये इतना आसान नहीं कि आप ढूंढ ढांड करके जिसको आदमी को देखेंगे कोई कुफरिया काम कर रहा है कुफरिया कीदा रखा है उसको तो खट से काफी है। हमारे कितने सारे सवाल आते हैं, बल्कि बात मतलब परेशान होते हैं लोग, कहते हैं मेरी वालिदा जो है वो न्याज पाठ ना करती थी, कब्रों पर जाती थी, अब उनका इंतकाल हो गया तो मैं उनकी जनाजे की नमाज पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई, वो कलमा उन्होंने पढ़ा हुआ था, अब वो कब्रों पर क्यों जाती थी, उनको इल्म था कि नहीं था ये जानना जरूरी है ना, अगर हो सकते जहालत की वजह से कर रही हो तो जहालत की वजह से बंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदम कुदरत का अकीदा रखा, कयामत का इनकार कर दिया, लेकिन अल्लाह ने उसको बख्श दिया, तो जहालत की वजह से। अब जहालत हमारे यहाँ पर कैसे, हमारे यहाँ औरतों में तो और शदीद जहालत है ना, हम यह जहालत का ये तक मामला है कि खातून गई हज करने के लिए तो काबा का तवाफ किया, तो दूसरी खातून से आके नहीं पूछा कि भाई इसमें अंदर क्या है दरवाजे के अंदर जो काला वाला पर्दा लगा हुआ, अंदर क्या है, तो बोले अरे तुमको नहीं मालूम यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कब्र है, इतना इतना ही हमारे पास कि तुमको नहीं पता यहाँ पे अल्लाह की कब्र है। अब क्योंकि जिंदगी में कभी तवाफ किया तो लगा कि ये बड़ा कोई कब्र हो गया, इसलिए हज करने के लिए यहाँ पे आते तो तवाफ। तो जब इल्म का ये मेयार है हमारे यहाँ पर, तो हम कैसे इसी जहालत की बुनियाद पर कैसे आदमी पे कुफ्र का हुक्म लगा सकते हैं, कुछ नहीं जानता है ना, हमारे यहाँ का आम आदमी बेचारा उसको यही सिखाया गया है कि यहाँ इनका सिक्का चल रहा है वहाँ उनका सिक्का चल रहा है, तो वही बोलता है वो। हाँ, ये अपने अपने इलाके के प्राइम मिनिस्टर और खुदा ने बैठा है इनका चीफ मिनिस्टर, तो वही सिखाया गया तो वही बोल रहे हैं, वो कुछ जानता ही नहीं बेचारा, उसको ना कुरान मालूम ना हदीस मालूम, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा नहीं मालूम है, तो उस वो जहालत एक ऐसी चीज है जो उसको हो सकता है बचा ले, हो सकता है अल्लाह की ना भी कबूल करे, जहालत हमेशा अल्लाह के काबिल कबूल उजर नहीं होती, कभी अल्लाह जहालत कबूल कर लेते हैं कभी नहीं कबूल करता है। मसलन एक बंदा मुसलमानों के इलाके में रह रहा है और उसको इल्म हासिल करने के सारे ज़राए मौजूद थे कि उसने नहीं हासिल किया, और उसके से उसने अपने तसाहुल की वजह से अपनी सुस्ती की वजह से उसने कुफ्र किया, तो उस पर कुफ्र का हो सकता है उसकी जहालत का उसको तस्लीम नहीं किया जाए। लेकिन एक बंदा पैदा हुआ सोवियत यूनियन के ममालिक में, वहाँ मस्जिदों पर पाबंदी, मिंबर पर पाबंदी, उलमा काम कर दिए गए, सारे दीनी शायर पर पाबंदी, अब वहां उसको दीन की किसी मसले का इल्म नहीं हुआ, तो हो सकता है अल्लाह उसका उज़्र कबूल कर ले।
तो कभी उज्र कबूल किया जाता है जहालत का, कभी नहीं किया जाता, कभी उज्र कबूल किया जाता है तावील का, कभी नहीं किया जाता। इसलिए हमारा काम किसी को, किसी मुसलमान को काफिर करार देना नहीं है। बस इतने ही सीख लें आप आज के दर से काफी है कि जिस आदमी ने कलमा पढ़ा है हम उसको काफिर नहीं करार देंगे। उसका अमल अगर कुफरिया है तो हम उसको बताएंगे कि तो जो तुम काम कर रहे हो वो कुफरिया है, लेकिन उसको कुफर का हुक्म नहीं लगाएंगे, तुम काफिर हो गए हो क्योंकि तुमने कुफरिया अमल किया। बस इतना सा सीख के चले जाए आज के दर्स में इंशाल्लाह आपका बैठना काफी हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है आपको दीन का सही फहम अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे इमाम इस्लाम को जिंदा रखे, जब खात्मा हो तो इमाम इस्लाम। अकुलु क़ौली हाज़ा, वस्तग़फ़िरुल्लाह लि वलकुम वलिसायरिल मुस्लिमीन, वस्तग़फ़िरुहु इन्नहु हुवल ग़फ़ूरुर रहीम।